चुनावी डिबेट के दौरान मौलवी इलियास शरफुद्दीन द्वारा शिवलिंग पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर हिंदू जागरण मंच के विमल द्विवेदी ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग। एक समाचार चैनल पर ज्ञान व्यापी मुद्दे पर डिबेट के दौरान मौलवी इलियास शरफुद्दीन का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मौलवी द्वारा बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक से भेंट कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ज्ञानवापी में माननीय न्यायालय के सर्वे के आदेश व शिवलिंग प्राप्त होने के साथ ही शिवलिंग व हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां कुछ मौलवियों इस्लामियों स्कॉलरों द्वारा लगातार की जा रही है, जो देश में माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिससे 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं लगातार आहत हो रही है। सनातन धर्म का दूसरे पक्ष द्वारा ऐसा अपमान करना हिंदू समाज के लिए असहनीय हो चुका है, क्योंकि हिंदू समाज न्यायालय संविधान कानून पर भरोसा करता है, इसलिए सड़कों पर उतरकर भीड़ तंत्र नहीं बनाना चाहता, लेकिन हिंदू समाज का धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि ऐसे समाज के जहरीले मौलवियों पर विधि सम्मत कार्यवाही हो, ताकि अन्य कट्टरपंथियों को सबक मिल सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अजय द्विवेदी, उपाध्यक्ष शिव सेवक, युवा प्रभारी मनीष महामंत्री, धर्मेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र मीडिया प्रभारी राहुल राम सहित एक दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन तरह से इनकी पुलिस न्यूज़ चैनलों पर डिबेट आ रही है, इस पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। हिंदू जागरण मंच द्वारा जो मांग की गई है, उस पर कार्रवाई की आश्वासन दिया गया है। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे अगर किसी भी धर्म या हमारे धर्म गुरुओं द्वारा कोई अगर उनकी किताबों में लिखा हुआ यदि सच बताया जाता है, तो उस पर पूरी तरह से पूरे प्रदेश में इस तरह से माहौल, एक दंगा का माहौल बनाया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। इस तरह से हम लोग लगातार, हम लोगों के अगर देवी देवताओं पर कोई वो रहे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ओएससी सहित तमाम ऐसे संगठनों ने नूपुर शर्मा पर उनकी हत्या जैसी साजिश रचने का भी प्रयास कराया जा रहा है, उन पर इनाम रखा गया है, और पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में दंगा का माहौल बनाया गया है, पत्थरबाजी की गई है। मैं प्रदेशवासियों से सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो भड़काऊ बयान देते हैं मौलवी, या जिस तरह से एक जुमा सिर्फ पत्थरबाजी का दिवस रह गया है, इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जो लोग भी इसके कर्ता धर्ता हैं, जो लोग भी इसके प्रमुख हैं, उन पर लगातार बुलडोजर और NSA जैसी कार्रवाई की लगातार चल रही है। और मैं योगी सरकार से आगे भी अपेक्षा करता हूं कि ऐसे दोषियों पर जो हिंदू देवी देवताओं पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, हमारे देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हिंदू समाज से शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए ऐसे मौलवियों पर जगह जगह FIR दर्ज कराने की मांग करता हूँ।